फ्रेंड्स आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का सबसे विश्वसनीय स्वास्थ्य चैनल। दोस्तों, मेरे भारत के लोगों और भारतीय सब कॉन्टिनेंट के लोगों, चाइना में 25 से ज्यादा लोगों की डेथ इस वायरस से हो चुकी है, कोरोना वायरस। वहां के दो प्रांत मेनली हुबेई और वुहान, वहां पर ये हुआ है। और क्वेश्चन ये है कि क्या ये भारत में आ सकता है, भारतीय सब कॉन्टिनेंट में आ सकता है ये जानलेवा वायरस, और क्या ये नया वायरस है। तो मैं डॉक्टर अभिजीत अग्रवाल, मैं एक सीनियर पीडियाट्रिक कंसल्टेंट हूं और एलर्जी स्पेशलिस्ट हूं। आप लोगों को कोरोना वायरस के संबंध में आसानी से ऑथेंटिक जानकारी देता हूं। कोरोना वायरस हम पहले समझ लें कि क्या है। कोरोना वायरस एक तरह का वायरस है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, छोटा सा, खूबसूरत। इसलिए मैं कहता हूं कि खूबसूरत चीजें जरूरी नहीं कि अच्छी हो। ये जो एचआईवी, स्वाइन फ्लू वायरस, ये सब बड़े खूबसूरत होते हैं, इनका आप इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें तो। कोरोना वायरस जो है बहुत सारे मैमल्स, बर्ड्स में होता है और कभी कभार इंसानों में इस तरह के एपिडेमिक्स के रूप में दिखाई देता है, जैसे कि चाइना में दिख रहा है। ये नया वायरस नहीं है, पहले भी इस तरह के एपिडेमिक्स हो चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से, पर्टिकुलरली मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या सार्स बोलते हैं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इनके जो केसेस हैं पहले भी होते रहे। अब WHO क्या कह रहा है कि ये हमारे देश में क्या फैल सकता है या बाकी जगह फैल सकता है कि नहीं, लेकिन इसके पहले हम समझ लें कि सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सिम्टम्स बड़े ही आम होते हैं जो किसी भी वायरल इन्फेक्शन में होते हैं या स्वाइन फ्लू में भी यही होते हैं। सर्दी, खांसी, बुखार शुरुआत होगा, कभी कभार ये आंतों में जाकर छोटे बच्चों में डायरिया वगैरह कर सकता है, और कभी कभार ब्रेन में जाकर झटके आना है अनकॉन्शियस। लेकिन आमतौर पर इसमें सांस की नली वाले या नाक से लेके लंग्स तक वाले जो सिम्टम होते हैं, सांस के सिम्टम्स, वो ज्यादा होते हैं। निमोनिया हो जाता है गंभीर और अंत में मृत्यु होती है। तो क्या सारे केसेस में होती है? नहीं, ये लगभग 10% फर्टिलिटी रेट रिपोर्टेड है। 10% बहुत होता है क्योंकि इसकी स्प्रेडेबिलिटी बहुत तेज है, बहुत तेजी से दूसरों को लग सकता है। और कैसे फैलता है? सर्दी खांसी के द्वारा, रुमाल, हाथ या फीकोरल रूट से भी फैल सकता है, मुंह के रास्ते खाने के माध्यम से भी फैल सकता है, जानवरों से इंसानों में आ सकता है, इंसान से इंसान में फैल सकता है। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है और प्रिवेंशन क्या है? तो इसका कोई भी वैक्सीन फिलहाल नहीं बना है और ट्रीटमेंट भी, कोई दवा नहीं है इस वायरस को मारने की, लेकिन हमारी अपनी बॉडी इम्यूनिटी कुछ दिनों में इसको मार देती है यदि हम स्टेबल हैं और इन्फेक्शन बहुत ज्यादा नहीं है और हमारी इम्यूनिटी कम नहीं है। तो इम्यूनिटी कम किन में होती है? जैसे कि बहुत बूढ़े लोग हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है, डायबिटिक्स हैं, कैंसर के मरीज हैं, एचआईवी के पेशेंट्स हैं, इनमें ज्यादा खतरा होता है डेथ होने का या आगे प्रॉब्लम को बढ़ने का। तो ट्रीटमेंट जो है मेनली सपोर्टिव है। सपोर्टिव का अर्थ होता है कि आपको लक्षणों को नियंत्रित करना होता है, यदि जरूरत है सांस में दिक्कत हो रही है तो एडमिट करके ऑक्सीजन वगैरह देना, और इससे भी बहुत सारे लोग ठीक होते हैं, लेकिन फिर भी डेथ रेट ज्यादा है। अब फॉर्चुनेटली ये चाइना जैसे देश में हुआ है, क्योंकि चाइना ने क्या किया कि एक पूरे प्रांत को ही लगभग क्वारंटाइन कर दिया, मतलब कि आइसोलेटेड कर दिया बाकी जगहों से। वहां पर फुटबॉल टूर्नामेंट्स, बहुत बड़े फंक्शन, लूनर न्यू ईयर मनाया जाना था, वो सब उन्होंने, उसमें भीड़ कम कर दी है और इन प्रांतों से आने वाली जाने वाली ट्रेन व्रेन की आवाजाही भी कम कर दी है। तो ये है कि चाइना ने उसको बाहर ज्यादा नहीं निकलने दिया, लेकिन फिर भी निकला है। आसपास के देश जैसे कि ताइवान, सिंगापुर, थाईलैंड से भी केसेस रिपोर्ट हैं, जापान से एक केस रिपोर्ट हुआ है, अमेरिका से एक केस कोई बाहर से ट्रेवल करके आया था वो रिपोर्ट हुआ है, फिलहाल इंडिया से रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो क्या बाकी WHO क्या कहता है, अब इस पर आते हैं कि हमारे देश में आ सकता है कि नहीं? बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि आजकल ट्रैवलिंग इतनी ज्यादा हो गई है और इसलिए हमें ध्यान देने की जरूरत है। हमारी आदत क्या है, जब हमें आग लगती है तब हम कुआं खोदते हैं। स्वाइन फ्लू वहां से शुरू हुआ था, मैक्सिको देन अमेरिका, इसके बाद भारत में सबसे ज्यादा केस पाए गए थे। तो हमें अलर्ट होने की तो जरूरत है ही, क्योंकि हम अननेसेसरी वैसे ही बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहे हैं। कोरोना वायरस हमारे देश में एंटर नहीं करना चाहिए, क्वारंटाइन कुछ तरीके निकालने चाहिए, और आई एम वेरी मच होपफुल कि गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रही होंगी। तो यदि जानकारी कोरोना वायरस फिलहाल के लिए आपको खतरा नहीं है, डर की बात नहीं, ये नहीं कि आपको सर्दी खांसी हो जाए तो आप उस चिंता से मर जाए कि मुझे कोरोना वायरस तो नहीं हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, फिलहाल ऐसे केसेस भारत में रिपोर्टेड नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि वायरस तेजी से ट्रेवल कर रहे हैं, आजकल हम सब इंसान एक ही फ्लाइट में जा रहे होते हैं, एक दूसरे को डेफिनेटली लगा सकते हैं। वायरस और इंसानों की जंग बहुत पुरानी है और इंसान इतने कॉम्प्लिकेटेड मशीनें बना लेने लगे हम लोग, कि हवाई जहाज बना दिए, मिसाइल्स बना दी, क्या क्या नहीं बना दिया, लेकिन वायरस ने कुछ नहीं बनाया। फिर भी आज भी इंसान से वो ज्यादा ताकतवर है, उसने खुद में बदलाव करते रहता है। वायरस, तरह तरह के वायरस, हमारा बैंड बजाए हुए इंसानों का, हमारी जो ह्यूमन रेस है
वो सबसे ज्यादा खतरे में किसी चीज से है तो डिफरेंट वायरसेस की वजह से है, लेकिन हम भी कम नहीं है, हम भी डटे हुए हैं लाखों सालों से।